महरौली की जनता का मूड क्या है, उनका रुझान क्या है, अगर महरौली की जनता अगर अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है तो किस आधार पर चुनती है, उनका मुद्दा क्या होगा। और जैसा आज मैं आपको मेरे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि शायद मैं महरौली का हर वार्ड का कवर किया हूँ, और सबसे जो अगर ज़्यादा अगर स्थिति अगर खराब कहे तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर लटुड़िया बाबा मंदिर इस इलाका का एक धर्म स्थल से कहीं कम नहीं, बहुत बड़ा धर्म स्थल है और बहुत बड़ी उसकी मान्यता है। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप जाइए इस लटुड़िया बाबा के मंदिर में, तो सबसे पहले आपको गेट पे नाली का पानी स्वागत करेगा और उसके बाद आप उस नाली का पानी को तरफ के तब आप मंदिर के अंदर में अब प्रवेश करेंगे। यानी जो गेट नंबर 2 की या एक नंबर गेट की मैं बात कर रहा हूँ आज वहाँ पे। साथ ही आप यहाँ देखें कि अगर भुइयां चौक से अगर आप गौशाला की ओर जाएं, अगर आपके घर में कोई शादी ब्याह कोई अगर पार्टी फंक्शन है तो शायद ऐसा नहीं होगा कि बिना कीचड़ पड़े आपके कपड़े पे आप यहाँ पे आप जा सकते हो। तो महरौली की तो हालत बहुत ही खराब है, मैं तो यूँ कहूँ कि महरौली किस्तों के सांसों पे जी रही है। और किस आधार पर, मैं आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे जो 4 उम्मीदवार है जिनका महरौली के अंदर में चर्चित जो चेहरे हैं जिनका नाम लोग ले रहे हैं, तो मैं बता दूं कि आपका जो एनसीपी से जो है जिनका निशान है घड़ी छाप, उसमें सीमा अग्रवाल जी हैं, ये पहले आम आदमी पार्टी में थी। और दूसरा जो उम्मीदवार है जो पिछले 20 साल यानी कि 15 साल पार्षद, 5 साल जो उनके जो हस्बैंड दिल्ली के मेयर रह चुके हैं पुष्पा सतवीर जी, वो है। तीसरा जो है आम आदमी पार्टी का, जो दूसरे पार्टी को छोड़ के यानी कि कुछ दिन पहले कांग्रेस में थे वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किए, तो उनको पार्टी ने टिकट दिया, जो है रेखा महेंद्र चौधरी। और जो चौथा, आप जान रहे होंगे कि यहाँ पे बीजेपी का जो प्रत्याशी है, जो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि पहले जो टिकट यहाँ दिया गया आरती सिंह को, और एकदम से एक रात पहले रातों रात 2:30 बजे वो टिकट बदल के कर दिया गया इंदु शर्मा को। तो ये तो हमें समझ नहीं आया कि पार्टी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, अगर आरती शर्मा अच्छी थी तो उस टिकट को क्यों बदला, अगर वो सही नहीं थी तो पार्टी उसे आरती सिंह नाम है उनका, आरती यादव टाइटल है लेकिन उनका जो हम देखते हैं ट्विटर हैंडल है उस पर आरती सिंह वो लिखती है। तो अगर आरती सिंह अच्छी कैंडिडेट थी तो बीजेपी ने उनको टिकट क्यों काटा, अगर सही नहीं कैंडिडेट थी तो बीजेपी ने उनको टिकट क्यों दिया। खैर ये तो पार्टी का इंटरनल अंदरूनी बात है। अभी मेरे बीच में जैसे अभी थोड़ा देर पहले मैंने कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थी पुष्पा जी, मैंने उनसे बात किया। अभी हमारे सामने जो है सीमा अग्रवाल जी है, मैं उनसे बात करता हूँ। तो मैम एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताए, मैं महरौली की आज तकरीबन सारा, अगर आप अंधेरिया मोर्चे चले तो साइकिल स्कूटर तो दूर की बात है, शायद अगर आप पैदल भी चले देख के नहीं चले तो आपका आंख कान मुंह हाथ पैर तो जरूरी फूट जाएगा। ये स्थिति है मेन मार्केट की। दूसरा, अभी आप जाके देख रही है जहाँ पे आप लटुड़िया बाबा जाएंगे तो नाली का पानी आपको स्वागत करता है, ठीक है। जगह जगह लोग कहते जी मैं 20 साल में ये काम किया, मैं 5 साल में ये काम किया, तो मुझे काम नहीं दिख रहा, उसको वो काम कहाँ गायब हो गया, क्योंकि एक जगह ना कहीं पर एक तालाब चोरी हो गया था। तो ऐसा तो नहीं कि महरौली में भी विकास चोरी हो गया है? जी जी बिल्कुल, आपने अपने सवालों का जवाब खुद ही दे दिया कि 25 सालों में यह सबसे देख रहे हैं जब से ये विधानसभा बनी है मैं, और 25 सालों में विकास चोरी हो गया, अब उस विकास को ही तो ढूंढ के लाना है। तो अगर मोदी जी तो कह रहे हैं कि विकास तो बहुत आया लेकिन यहाँ से विकास ही चोरी हो गया। अब पता नहीं महरौली में तो विकास नाम का कोई होगा तो मुझे ढूंढना पड़ेगा विकास कौन है। अब मोदी जी तो यहाँ नहीं आएंगे महरौली में, लेकिन हाँ विकास को जरूर लाएंगे ढूंढ कर, विकास को लेकर आएंगे। तो आप ये जो देख रही हैं, आप यहाँ पे आइए तो आपको क्या लग रहा है कि 20 साल 25 सालों में महरौली की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, कैसी स्थिति है? क्योंकि देखिये यहाँ तो मल्टी स्टोरी फ्लैटे तो बन गए, बहुत सारी फ्लैटे हैं, अगर खरीदने जाएंगे तो दाम भी आसमान छू रहा है, लेकिन इस महरौली में साधन के नाम पर नील बट्टा सन्नाटा है, यानी कुछ भी नहीं है। ले आरो आप भी मैदान में उतरी है तो आपका मुद्दा क्या है, आप किस प्रकार से
इस जो इसको एक कहते हैं कि एक चुनौती का ये सागर है, ये सैलाब है जिसको आपको पार करके जाना है, आप कैसे पार करेंगी इसको? जी, मेरे पास में एक अच्छा विज़न है और मैंने एक अपना संकल्प पत्र पेश किया हुआ है, उसमें 24 पॉइंट हैं और क्रमबद्ध तरीके से तो मैं अभी इतना लंबा नहीं बता सकती हूँ, तो आपको पेपर दूंगी। ये पेपर है मेरा, ये अपने कैमरे में दिखाइएगा, ये मेरा पेपर है। इसमें जो भी एक नागरिक होने के नाते जो मैंने समस्याएं पेश, मैं कुछ इसमें से पढ़ के मैं अपने जो आपके जो जनता है जिस आधार पर वोट मांग रही है, तो मैं इनका एक संकल्प पत्र है, आप देख ले सकते हैं कि मेरे हाथ में मैरोली की जनता के लिए मेरा संकल्प पत्र है। और इन्होंने इसमें से मैं कुछ जो मुद्दे हैं मेन जो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। सबसे पहला है कूड़े के जगह जगह बने ढेरों से मैरोली को मुक्ति दिलाना है, नाली मुक्त व गड्ढा मुक्त मैरोली, मजबूत इरादों के साथ मजबूत सड़कें, बस अड्डे से अहिंसा स्थल तक एलिवेटेड रोड बनवाना, डेसू रोड से ईदगाह होते हुए जेएनयू तक रोड बनवाना, मल्टी लेवल पार्किंग मैरोली की शान एवं ऐतिहासिक धरोहर शमशी तालाब की साफ सफाई करवा कर उसमें लाइटिंग व बोटिंग के साथ उसका डेस्टिनेशन डेवलपमेंट करवाना, अंधेरिया मोड़ से मैरोली को आने वाली सभी बड़े व भारी वाहनों का दिन में प्रवेश जो वर्जित करना है, और नौमा जो है गढ़वाल कॉलोनी पीपल चौक तथा शमशान घाट वाली रोड पर लाइट लगवाना व पुलिस बूथ बनवाना। ऐसे तो इनके पास जो है इनके 24 जो है मुद्दे जिसमें से मैंने आपको 9 पढ़ के सुना दिया है, और आगे की भी तो मैडम वादे तो बहुत बड़े हैं। ये जो वादे आपने जो किया है, तीन बार दबाओगे तो थोड़ा पास आ जाओ, इधर आ जाओ, तो लोहे का चने चबाने के ये बराबर है। एक्चुअली आपको ये मैं बता दूं, वादे तो मैं 11 ही करने जा रही थी, तो 24 क्यों कर दिए? लेकिन जब मैं करने बैठी तो मुझे लगा ये भी बहुत कम है। अच्छा। और 24 अपने आप हो गए, वहाँ मैंने कलम बंद कर दिया क्योंकि पेज बहुत लंबा हो रहा था। अच्छा। और ये कोई झूठा वादा नहीं है, ये मैंने किसी भी अपनी मैरोली की जनता से नहीं कहा कि मैं आसमान से तारे तोड़ करके लाऊंगी। ये जो भी वादे करे हैं MCD के ही वादे करे हैं, कोई मैंने प्रदेश यानी केजरीवाल जी के जैसे बड़े वादे नहीं किए कि जी मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, फिर बाद में कहते हैं मेरे पास पुलिस ही नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो वादे नहीं किया ना? नहीं नहीं, बिल्कुल धरातल की महिला हूँ, जमीनी कार्यकर्ता हूँ और लोगों के साथ में रही हूँ, वही वादे करूंगी जो मैंने महसूस किया है। आप आम आदमी पार्टी से आई है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपने भी कहीं से प्रेरणा लेकर के बहुत दिन पार्टी में रही है, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस तरह का जो आपके पास प्रेरणा क्यों आए कि मैं समाज सेवा में जाऊं, या लोग बहुत अच्छा आपके हस्बैंड का जॉब है, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है, तो फिर इस पचरे में क्यों पढ़ने के लिए आपके दिमाग में ये बात आया? देखिए, ये अपना कईयों का व्यक्तिगत निर्णय होता है, हमको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको लगा कि मैरोली में मुझे एक एक जो इंस्पायर होता ना आदमी, यार मैं आया मुझे जाम से मिला तो मुझे इसमें कूदना चाहिए। मैं बता रही हूँ, अब आप सुनेंगे तब मैं बताऊंगी कि एक व्यक्तिगत निर्णय होता है, हर इंसान का होता है, और मैं पेशे से एक शिक्षिका रही हूँ और राइटर हूँ, कवियत्री हूँ, बड़ा ही कोमल हृदय रखती हूँ, समस्याओं को बहुत अंदर तक महसूस करती हूँ, भावनाओं से चलती हूँ, भावनाओं को देखती हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमने समाज से बहुत कुछ ले लिया है, हमें समाज को देने का वक्त आ गया है। समाज कहाँ है? जहाँ हम रह रहे हैं वही हमारा समाज है, वही हमारा परिवार है, तो इस समय मैरोली हमारा समाज है, हमारा परिवार है, और जो भी मैं मुझसे बन पड़ेगा तन मन धन से वो समाज को मैं अर्पित करूंगी। सभा को संबोधित किया है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, एक हमारे बीच में एक अंकल बैठे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अंकल नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले अपना नाम और परिचय दें। मेरा नाम आदेश अमदगनी है। और कौन से वार्ड से हैं आप? मैं इसी वार्ड में ही हूँ। वार्ड नंबर 2 या 3 है? ये वार्ड नंबर 9 है। 9 है, सॉरी, अच्छा, किशनगढ़ में लगता है। हाँ, ये वार्ड नंबर 9। अभी आपने सीमा जी के वक्तव्यों को सुना, तो आपको क्या लग रहा कि क्या कितना ये सही बोल रही है, कितना गलत कहा, क्या लगा आपको? हमें तो जो खुशी है कि भाई इनके साथ जो लोग हैं, हमारी बिल्डिंग के ही काफी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, और लगता है कि भाई मेहनत कर रही है और आगे सफल होंगी। नए चेहरे को लाना चाहिए। हाँ, तो जो इनकी मेहनत है अपना काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।